ओके, तो आज हमारा टॉपिक है यूजिंग फाइल्स फॉर डेटा स्टोरेज। अब इसके अंदर क्या है, देखें, इसके अंदर हमें व्हेन अ प्रोग्राम क्या कह रहा है, व्हेन अ प्रोग्राम नीड टू सेव डेटा फॉर लेटर यूज, इट राइट्स द डेटा इन अ फाइल। कह रहा है कि जब प्रोग्राम में कोई भी डेटा हम सेव करते हैं और उसको बाद में यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हमें सेव करना पड़ता है फाइल में। द डेटा कैन देन बी रीड फ्रॉम द फाइल लेटर टाइम। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये मुख्तलिफ एग्जांपल दे रहा है जो हमने लास्ट टाइम भी सीखी थी, कि अभी तक जो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं वो सारे प्रोग्राम चलते हैं रैम के अंदर, और जब वो प्रोग्राम बंद होते हैं तो सारा डेटा उसमें से गायब हो जाता है। और इसी तरह से कह रहा है इफ़ द प्रोग्राम इज़ रिटेन डेटा बिटवीन टाइम एंड इंटरवल्स मस्ट हैव अ वे सेविंग। तो अगर हम इसको डेटा को रखता है तो उसके मुख्तलिफ तरीके सेव करने के। डेटा इज़ सेव्ड इन अ फाइल विच इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर डिस्क। और जब हम डेटा के अंदर कोई भी प्रोग्राम की फाइल को सेव करते हैं तो वो कंप्यूटर डिस्क के अंदर सेव होता है। ठीक है, तो ये हमें कुछ इससे चीज़ बताई है जो हमने इसको समझना है। वंस द डेटा इज सेव्ड इन द फाइल इट विल रिमेन देयर आफ्टर द प्रोग्राम स्टॉप्स रन। जब हमारा प्रोग्राम रुक भी जाता है तो कोई मसला नहीं, हमारा डेटा हमारे हार्ड डिस्क पर सेव होता है। डेटा इज स्टोर्ड इन अ फाइल कैन बी रिट्रीव्ड एंड यूज्ड एट अ लेटर ऑन। और फिर उस डेटा को बाद में हम किसी भी फाइल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, फोटोशॉप वगैरह, एक्सेल शीट्स वगैरह, गेम्स वगैरह, ये सब डेटा को स्टोर करते हैं। इवन वेब ब्राउज़र भी कुकीज़ की शक्ल में डेटा को स्टोर करता है। वेब ब्राउज़र सम ऑफ व्हेन यू विजिट अ वेब पेज द ब्राउज़र स्टोर्स अ स्मॉल फाइल नोन एज अ कुकी। कभी हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट कर रहे होते हैं तो हमारा वेब ब्राउज़र एक फ़ाइल सेव करता है, उस फाइल को हम कुकी कहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है। कुकीज़ टिपिकली कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजिंग सेशन सच एज़ द कंटेंट ऑफ अ शॉपिंग कार्ट। कह रहा है कि कुकीज़ जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर जो डेटा होता है वो ब्राउजिंग सेशन, मतलब जिस टाइम आप उस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं या उसमें कोई अपने अकाउंट को लॉगिन किया है उसके सेशन का डेटा रखते हैं, सच एज़ कंटेंट ऑफ शॉपिंग कार्ट। जैसे किसी भी शॉपिंग कार्ट में आप डेटा ऐड करते जाते हैं तो लाइव सेशंस वो कुकीज़ में ऐड होते जाते हैं, यानी कि ये लोकल वेरिएबल हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। इस तरह गेम्स भी डेटा स्टोर कर रहे होते हैं फाइल की सूरत में, रेजोल्यूशन की सूरत। सो पढ़िएगा इसमें जो भी चीज़ बताई गई है। प्रोग्राम्स डेटा आर यूज्ड इन डेली बिजनेस ऑपरेशंस एक्सटेंसिवली ऑन अ फाइल। तो यानी कि जो भी डेली यूज़ के हमारे प्रोग्राम्स हैं वो डेली फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। पे रोल प्रोग्राम्स की एम्प्लॉइज डेटा इन फाइल्स, इन्वेंट्री प्रोग्राम्स कीप डेटा अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट्स इन फाइल, अकाउंटिंग सिस्टम्स कीप डेटा अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन फाइल्स। तो कह रहा है तीन किस्म के प्रोग्राम की एग्जांपल दी, ये सारा डेटा अपना फाइल्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं अलग अलग फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम यूजुअली रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेविंग फाइल। अब किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब हम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं राइटिंग डेटा ऑन टू अ फाइल। द वे द पीस ऑफ डेटा इज रिटन टू अ फाइल इट्स कॉपीड टू द वेरिएबल इन रैम। पहले डेटा एक वेरिएबल में जाता है जो कि रैम में एग्जिस्ट करता है टू द फाइल इलस्ट्रेटर आउटपुट। फिर उसके बाद एन आउटपुट फाइल इज़ अ फाइल डेटा इज़ रिटन। आउटपुट का मतलब होता है कि जिसमें डेटा पहले से स्टोर था उसको रीड करके बताया दिखाएगा तो उसे आउटपुट कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड एन आउटपुट फाइल बिकॉज द प्रोग्राम स्टोर्स आउटपुट इन इट। द प्रोसेस रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम नॉन एज रीडिंग डेटा। जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उस डेटा को हम कहते हैं डेटा रीडिंग डेटा। तो ठीक है, व्हेन अ पीस ऑफ डेटा इज रीड फ्रॉम अ फाइल इट कॉपीड फ्रॉम द फाइल इनटू अ वेरिएबल। जब भी डेटा रीड होता है तो वो किसी फाइल में से डेटा लेता है, पहले वेरिएबल में डालता है जो कि रैम में होते हैं, और इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनपुट फाइल। याद रखें डेटा को क्रिएट, फाइल को क्रिएट करने के अमल को हम कहते हैं एन आउटपुट फाइल, और जो उसका डेटा को रीड करने का अमल है उसको हम कहते हैं इनपुट फाइल। इज़ अ फाइल डेट इज़ रीड फ्रॉम, ठीक है, इन एन इनपुट फाइल इज़ फाइल डेट डेट डेटा इज़ रीड फ्रॉम, और आउटपुट फाइल इज़ अ फाइल डेट रिटर्न टू। मतलब आउटपुट फाइल कौन सी होती है जिसमें डेटा राइट किया जाता है, और इनपुट फाइल कौन सी होती है जिसमें डेटा रीड किया जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। डेटा फाइल बनाने के अमल को राइटिंग डेटा कहते हैं, लेकिन उस फाइल को हम आउटपुट फाइल कहते हैं। फाइल को रीड करके डेटा दिखाने के अमल को हम रीडिंग डेटा कहते हैं, लेकिन उस फाइल में जिसमें से डेटा रीड किया जा रहा है उसे इनपुट फाइल कहते हैं। ये हमेशा याद रखें, इट इज़ कॉल्ड एन इनपुट फाइल बिकॉज द प्रोग्राम गेट्स इनपुट फ्रॉम द फाइल। ठीक है, ओके, यहाँ पर चलते हैं। बता रहा है कि देखें डेटा कॉपीड हो रहा है वेरिएबल्स के अंदर, इसमें वेरिएबल ये वेरिएबल पे रेट, एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम, ये डेटा जा रहा है इसके ऊपर और ये हार्ड डिस्क पे सेव हो रहा है। इस तरह रीड करते हुए इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर डेटा आ रहा है और आपको ये प्रोग्राम दिखा रहा है, फाइल ऑन द डिस्क ये पहले से मौजूद है।
यहाँ पर तीन चीज़ें बता रहा है। दिस सेक्शन डिस्कस क्रिएट प्रोग्राम्स राइट डेटा फाइल्स टू रीड डेटा फ्रॉम व्हेन अ फाइल इज़ यूज्ड बाय द प्रोग्राम स्टेप्स मस्ट बी टेकन। कौन से स्टेप लिए जाते हैं जब हम कोई भी व्हेन अ फाइल इज़ यूज्ड बाय प्रोग्राम द थ्री स्टेप्स मस्ट बी टेकन। जब भी कोई भी प्रोग्राम किसी फाइल को एक्सेस करता है वो तीन स्टेप करता है। पहला स्टेप है ओपन फाइल, दूसरा से प्रोसेस द फाइल, तीसरा क्लोज द फाइल। मतलब एक फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव है, जब हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम ये तीन स्टेप फॉलो करेगा। पहला ओपनिंग द फाइल क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन द फाइल एंड द प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम फाइल को ओपन कर रहा है उसके दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट होगा। ओपनिंग एन आउटपुट फाइल यूजुअली क्रिएट्स द फाइल ऑन द डिस्क डेट अलाउज द प्रोग्राम टू राइट डेटा टू इट। आउटपुट फाइल उस टाइम उसकी क्रिएट होगी और वो डिस्क पर इस फाइल के अंदर एनेबल करेगी हमारे प्रोग्राम को कि वो इसमें डेटा को राइट कर सकता है। ओपनिंग एन इनपुट फाइल अलाउज द प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम द फाइल। यानी कि अगर हम अभी ऊपर पढ़ के ओपनिंग करेंगे किसी फाइल को तो वहाँ पे वो इनपुट फाइल के तौर पे दिखाएगा कि डेटा उसमें से रीड किया जा सकेगा। ठीक है, ये तो ओपन फाइल में दोनों ऑपरेशन होते हैं, यानी कि राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं। ठीक, प्रोसेस द फाइल, डेटा इज़ आइदर रिटर्न टू द फाइल इफ़ इट इज़ एन आउटपुट फाइल और रीड फ्रॉम द फाइल इफ़ इट इज़ एन इनपुट फाइल। तो ये प्रोसेस दोनों में से कोई एक होगा, या तो डेटा उसमें रीड किया जाएगा या फिर उसमें राइट किया जाएगा। क्लोज द फाइल, आफ्टर द कम प्रोग्राम इज़ फिनिश यूजिंग द फाइल मस्ट बी क्लोज। क्लोजिंग द फाइल डिसकनेक्ट्स द फाइल फ्रॉम द प्रोग्राम। यानी कि आफ्टर द प्रोग्राम फिनिश यूजिंग द फाइल, फाइल को यूज़ करके जब हम उसको क्लोज करेंगे द फाइल मस्ट बी क्लोज, फाइल को क्लोज भी करना है। और क्लोजिंग द डिस्कनेक्ट्स द फाइल एंड फ्रॉम द प्रोग्राम, और जो इनके दरमियान में कनेक्शन हम क्रिएट करेंगे उसको क्लोज भी करना है। तो ये इसके थोड़े से मामलात हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाइल पढ़ लें, कितने किस्म की टाइप्स होती हैं। तो इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल। तो बता रहे कि दो तरह की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट एंड बाइनरी। आर टेक्स्ट फाइल कंटेंट डेटा डेट हैज़ बीन इनकोडेड एज अ टेक्स्ट यूजिंग द स्कीम सच एस ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन और यूनिकोड। यानी कह रहा है कि टेक्स्ट फाइल में डेटा ASCII जो भी स्टैंडर्ड उससे रिलेटेड होता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, टेक्स्ट, सिंबल्स की सूरत में होगा। और इवन इफ द फाइल कंटेन नंबर्स, दोज नंबर्स आर स्टोर्ड इन द फाइल एज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर। और उसमें नंबर्स भी जो हम लिखेंगे वो स्टोर तो हो जाएंगे, लेकिन वो उसको एज अ कैरेक्टर ही कंसिडर करेगा। एज अ रिजल्ट द फाइल मे बी ओपन एंड व्यूड इन टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड। ऐसे फाइल को हम किसी भी टेक्स्ट एडिट में देख सकते हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, मैक्रोवर्ड वगैरह के टेक्स्ट एडिट में देख सकते हैं। वेयर इज बाइनरी फाइल कंटेंट्स डेटा, बाइनरी फाइल में जब डेटा स्टोर होता है तो वो कैसे होगा, डेट हैज़ नॉट बीन कन्वर्टेड टू टेक्स्ट, वो टेक्स्ट की सूरत में स्टोर नहीं होता। दस यू कैन नॉट व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ बाइनरी फाइल विद अ टेक्स्ट एडिटर। और बाइनरी फाइल में सेव हुए हुए कंटेंट्स को आप टेक्स्ट एडिटर पे नहीं देख सकेंगे। इन दिस चैप्टर वी वर्क ओनली विद टेक्स्ट फाइल्स। अभी इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल को देखेंगे कैसे काम होता है, फिर आगे चैप्टर 12 में देखेंगे बाइनरी फाइल पे कैसे काम होता है। फाइल एक्सेस मेथड क्या है, देर आर टू जनरल वेज ऑफ एक्सेस टू स्टोर्ड इन अ फाइल, सिक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस। अब दो तरह से फाइल के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं हम, एक सिक्वेंशियल एक्सेस है और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस है। When you work with a sequential access file, you can access data from the beginning of the file to the end of the file. यानी कि अगर हम sequential access के method को use करते हुए file को access करेंगे, open करेंगे, तो file के शुरू से लेके आखिर तक के data को read करेगा। ठीक है, if you want to read a piece of data that is stored at the very end of the file, अगर आप कोई data फाइल के अंदर काफ़ी सारा डेटा है लेकिन आप खाली लास्ट वाला डेटा सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं, यू हैव टू रीड ऑल ऑफ द डेटा कम बिफोर इट, यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू द डिजायर्ड डेटा। हाँ, मतलब तुम आप डायरेक्टली उस डेटा तक नहीं पहुंच सकते, सारा ही डेटा रीड कराना होगा। दिस इज सिमिलर टू द वे कैसेट टेप, जैसे प्लेयर्स वर्क, जैसे कैसेट टेप का प्लेयर काम करता था। इफ़ यू वांट टू लिसन द लास्ट सॉन्ग ऑफ ऑन अ कैसेट टेप, यू हैव टू आइदर फास्ट फॉरवर्ड ओवरऑल ऑफ द सॉन्ग। मतलब अगर जैसे एक कैसेट टेप जो आती थी पहले और रील वाली, उसके अंदर होता ये था, कैसेट टेप हम कैसी होती थी पहले दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो, टेप रिकॉर्डर होते थे। ये देखें, कैसेट टेप इस तरह की एक डिवाइस होती थी, इसमें रील होती थी अंदर और इसमें 10 सॉन्ग्स आते थे। तो अगर हमें आखिरी सॉन्ग सुनना होता था तो एक साइड पे रील फिलअप होती थी, और इमेजेस देख लें इसके।
तो ये रील देख रहे हैं, ये एक साइड पे होती थी, फिर इसको पूरा फॉरवर्ड करके यहाँ लेके जाना पड़ता था, तो आखिरी सॉन्ग फिर हम सुन पाते थे। इस तरह बीच के लिए फॉरवर्ड रिवर्स करते रहते थे। तो ये इसी की मिसाल दे रहा है कि अगर आपको फाइल का कोई एक हिस्सा भी रीड करना है तो वो ऐसा नहीं होगा, वो पूरी फाइल को ही रीड करेगा, जैसे कैसेट टेप रिकॉर्डर करता था। मतलब बिफोर द लेसन देयर इज़ नो वे टू जंप डायरेक्टली टू स्पेसिफिक, अब इस पर कोई तरीका नहीं है कि आप खाली स्पेसिफिक सॉन्ग पर जंप कर सकें। वैन यू वर्क विद अ रैंडम एक्सेस फाइल ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस फाइल, अब यहाँ पे याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सेस फाइल को रैंडम एक्सेस फाइल भी कहते हैं। अगर इस मेथड को यूज़ करेंगे यू कैन जंप डायरेक्टली टू एनी पीस ऑफ डेटा इन द फाइल विदाउट रीडिंग द डेटा डेट कम्स बिफोर इट। तो कह रहा है कि फिर आप किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे डेटा के जंप कर सकते हैं बगैर पूरे डेटा को रीड यानी कि रिवर्स एंड फॉरवर्ड किए हुए। दिस इज सिमिलर टू द वे ऑफ सीडी प्लेयर और एमपी थ्री प्लेयर, कैसे ज़बरदस्त एग्जांपल दिए कि ये जो टेक्निक है सीडी प्लेयर और एमपी थ्री प्लेयर में जो है इंट्रोड्यूस कराई गई। मतलब डेटा को रीड करने के दो मेथड है, एक है सिक्वेंशियल फाइल, ठीक है, और एक है रैंडम फाइल जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस फाइल। सिक्वेंशियल फाइल ओल्ड मेथड है, लेकिन ये भी मेथड है, ये कैसेट्स में और जो पुरानी टेप रिकॉर्डर की कैसेट्स होती थी, वीसीआर की कैसेट्स होती थी, पुरानी मूवीज़ को एक्सेस करने में यूज़ होता था, कि जिसमें आपको एक किसी स्पेसिफिक पार्ट डेटा पे जाना है तो उतनी रील को फॉरवर्ड करना पड़ता था। लेकिन जो MP3 और CD प्लेयर में जो इन्होंने टेक्निक यूज़ की थी, जिसमें आज हम कंप्यूटर में भी जो सॉन्ग चाहें जहाँ से चला लेते हैं, तो उसमें इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की थी डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस डेटा की टेक्निक को यूज़ किया था, जिसमें किसी भी पीस ऑफ डेटा को किसी भी सॉन्ग को हम डायरेक्टली प्ले कर सकते थे। तो ये फाइल को रीड करने के लिए दो मेथड हैं। अब आगे चलते हैं, तो ये कह रहा है दिस चैप्टर फोकस ऑन द सीक्वेंशियल फाइल, इसमें हम सीक्वेंशियल फाइल सीखेंगे, सीक्वेंशियल फाइल इजी टू वर्क विद एंड यू कैन देम अंडरस्टैंड फॉर बेसिक ऑपरेशंस, और बुनियादी ऑपरेशन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सीक्वेंशियल फाइल के एक्सेस को देखते हैं, फाइल नेम्स एंड फाइल सिस्टम, फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स, फाइल ऑन द डिस्क आर आइडेंटिफाई बाय द फाइल नेम, जो भी फाइल आप अपने डिस्क पर सेव करेंगे उसके नाम को हम कहेंगे फाइल नेम, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फॉर एग्जाम्पल वैन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद द वर्ड प्रोसेसर एट द सेव द डॉक्यूमेंट इन अ फाइल यू हैव टू स्पेसिफाई फाइल नेम, ठीक है। जब हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हैं पहले हम उसका नाम रखते हैं। When you utility uses Windows Explorer, mine the contents of your disk. और Windows Explorer हमें वो content दिखाता है folder के अंदर। When you a list file name, ठीक है। How three files named k.jpg, not.txt and resume.doc might be represented in a Windows Explorer. कि भाई देखें Windows Explorer में folder के अंदर हमारी k.jpg image file, not.txt text file और resume.document की file इस तरह से नज़र आ रही होती है। बता Each opening ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इट्स ऑन रूल नेमिंग फाइल, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, जैसे विंडोज़ है, ऐसे लिनक्स है, यूनिक्स है, और ओपेरा है, यूबंटू है, सोलारियस है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना मुख्तलिफ तरीका होता है फाइल को नाम रखने का। मैनी सिस्टम्स इंक्लूडिंग विंडोज़ सपोर्ट द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, जैसे विंडोज़ के अंदर हम फाइल नेम भी रखते हैं और उसका एक्सटेंशन भी। वॉट इज़ एक्सटेंशन, ये देखें catkit इसका नाम है, .jpg इसका एक्सटेंशन है, नॉट्स इसका नाम है, डॉट के बाद ये इसका एक्सटेंशन है, रिज्यूम इसका नाम है, डॉट डॉक इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन फाइल टाइप को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि केट्स ट्राइब द डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल, अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है कि विंडोज़ इनको फाइल नेम और एक्सटेंशन दोनों को सपोर्ट करता है। विच आर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड अपीयर एट द एंड ऑफ फाइल नेम प्रोसीड बाय द पीरियड डॉट, बता रहा है कि एक्सटेंशन इस तरह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फाइल्स डिस्पाइट फिगर फाइल एक्सटेंशन .jpg.txt.doc एक्सटेंशन यूजुअली इंडिकेट द टाइप ऑफ स्टोर, बता रहा है ये जो एक्सटेंशन होते हैं ये इसकी फाइल की टाइप बताते हैं कि किस तरह की फाइल है, टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है या इमेज है या कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन यूजली इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड, द txt यूजली इंडिकेट द फाइल एक्सटेंशन टेक्स्ट, द डॉक एक्सटेंशन ही बता रहा है कि txt एक्सटेंशन जो होता है टेक्स्ट फाइल को, डॉक फाइल जो है मैक्सिमम वर्ड की फाइल को, और इस तरह jpg एक इमेज की फाइल को शो करता है। इन ऑर्डर टू प्रोग्राम वर्क विद अ फाइल कंप्यूटर डिस्क द प्रोग्राम मस्ट क्रिएट अ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी। इन ऑर्डर टू प्रोग्राम टू फॉर अ प्रोग्राम टू वर्क विद अ फाइल, यानी किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको फाइल पर काम करना है तो प्रोग्राम मस्ट क्रिएट, प्रोग्राम को लाजमी है कि वो बनाएगा एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर, अ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, अ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज अ ऑब्जेक्ट डेट इज एसोसिएट विद द स्पेसिफिक फाइल प्रोवाइड्स अ वे टू प्रोग्राम टू वर्क विद द दैट फाइल। ए स्ट्रीम जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हो जाता है, और वो ही एक रास्ता देता है जिस तरह से हम प्रोग्राम में अपनी फाइल को क्रिएट एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बिकॉज फाइल कैन बी थ्रो ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो इसकी क्योंकि फाइल एक इस डेटा के स्ट्रीम, मतलब एक के बाद एक डेटा उसमें ऐड हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है, तो इसी तरह से इसको हम स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सेटिंग अप प्रोग्राम फॉर फाइल इनपुट एंड आउटपुट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट वर्क विथ मच लाइक द सी इन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट, फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट
यानी कि कमांड के नाम है, ये सी इन और सी आउट की तरह काम करते हैं। आ स्ट्रीम ऑफ डेटा में बी सेंट आउट सी आउट, स्ट्रीम ऑफ डेटा जो है सी आउट के जरिए सेंड कर सकते हैं, विच कॉज वैल्यूज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर डेटा दिखाई। स्ट्रीम डेटा में बी रीड फ्रॉम द कीबोर्ड, और ऐसा डेटा जो स्ट्रीम से हम डेटा रीड कर सकते हैं, सी एन है जो स्टोर करता है वेरिएबल। लाइक वाइज स्ट्रीम्स ऑफ डेटा में बी सेंड टू अ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट विच राइट टू द डेटा टू द फाइल। इस तरह एक फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लेंगे जो डेटा को राइट करेगा, एक फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लेगा जो डेटा को रीड करेगा। व्हेन डेटा इज रीड फ्रॉम अ फाइल डेट फ्लोज फ्रॉम द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डेट इज स्टोर्ड विद फाइल इनटू वेरिएबल, और फिर वो उसको वेरिएबल्स में सेव करके रख देता है या उससे लेकर आता है। सेटिंग अप अ प्रोग्राम फॉर फाइल इनपुट, अब कैसे सेट करेंगे, जस्ट सी इन ए सी आउट रिक्वायर्स द आईओ स्ट्रीम फाइल टू इंक्लूड इन प्रोग्राम। जैसे सी और सी आउट को दोनों को यूज़ करने के लिए मैं आईओ स्ट्रीम को एज अ हेडर फाइल के तौर पर इंक्लूड करना पड़ता है। सी प्लस प्लस एक्सेस रिक्वायर्ड टू हेडर फाइल, इसके लिए एक और एक हेडर फाइल चाहिए होगी एफ स्ट्रीम, जो कि ये जो ऊपर इसने बताया है फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होगी। डिक्लेरेशन नेसेसरी फॉर फाइल ऑपरेशन इफ इज इंक्लूडिंग हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ठीक है। तो द एफ स्ट्रीम हेडर फाइल डिफाइंड द डेटा टाइप्स ऑफ अ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम जो है डिफाइन करता है कि किस किस्म का डेटा स्ट्रीम हम यूज़ करने जा रहे हैं। इफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम बिफोर अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम की विथ अ फाइल, तो ये इफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम दो फंक्शन है जो यूज़ करेंगे जो प्रोग्राम को चलने से पहले रिक्वायर्ड होते हैं। अ फाइल इज मस्ट बी डिफाइन ऑब्जेक्ट वन दीज ऑफ डेटा टाइप्स, इनमें से कोई भी एक डेटा टाइप आपको डिफाइन करनी है। द विल लिंक टू द विच एक्चुअल फाइल द कंप्यूटर डिस्क एट द ऑपरेशन मे बी परफॉर्म, फाइल डिपेंड्स ऑन विच थ्री डेटा टाइप्स यू पिक फॉर द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के लिए जो भी डेटा टाइप लेंगे। तो ऑफ स्ट्रीम फंक्शन है, इफ स्ट्रीम फंक्शन है, एफ स्ट्रीम फंक्शन है। ऑफ स्ट्रीम क्या करता है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम, यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट दिस डेटा टाइप व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डेटा टू इट, यानी कि जब आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे मतलब आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं और डेटा उसके अंदर राइट करना चाहते हैं। इफ स्ट्रीम द इनपुट फाइल स्ट्रीम, यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डेटा टाइप when you want to open an existing file, read data from it, यानी कि अगर पहले से कोई फाइल बनी हुई है और उसको आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो if stream function के जरिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के जरिए उस फाइल को रीड कर लेंगे। f stream objects of this data type can be used to open file for reading, writing both, यानी कि f stream जहाँ यूज़ करेंगे तो डेट फाइल को वो ओपन तो करेगा, एक्सेस करेगा, पर उससे डेटा को हम रीड भी कर सकेंगे और राइट भी कर सकेंगे। तो ये सिर्फ डेटा को फाइल को राइट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये इससे ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए, और इससे जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो डेटा को रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, दोनों काम ये इसके ऊपर परफॉर्म करेगा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली द ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम टाइप्स, द एफ स्ट्रीम टाइप इज कवर्ड इन चैप्टर टू, ठीक है ना। तो इसके अंदर अभी हम जो टाइप को कवर करेंगे वो है ओनली ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम, और जो इसकी एफ स्ट्रीम टाइप है वो फिर आगे जाके देखेंगे जो एक साथ दोनों पे काम करते हैं। अब क्रिएट ऑन फाइल ऑब्जेक्ट एंड ओपनिंग द फाइल, तो क्रिएट करते हैं एक फाइल का ऑब्जेक्ट और फाइल को कैसे ओपन करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। बिफोर डेटा कैन बी रिटर्न टू और रीड फ्रॉम अ फाइल द फॉलोइंग थिंग मस्ट बी हैपन, मतलब कभी भी डेटा को आपने राइट या रीड करना है तो उससे पहले ही समझ लें, अ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड, एक फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लाजमी क्रिएट करना है। द फाइल मस्ट बी ओपनड एज लिंक टू द फाइल स्ट्रीम, तो फाइल मस्ट बी ओपनड होनी चाहिए और लिंक होनी चाहिए फाइल स्ट्रीम के साथ, ठीक है। द फॉलोइंग कोड शोज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग फाइल और इनपुट रीडिंग, जैसे इफ स्ट्रीम इनपुट फाइल, ये इफ स्ट्रीम फंक्शन है, इससे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम फाइल को ओपन करेंगे, ये फाइल का नाम आ गया, ठीक है। तो ये पढ़ने पर इफ स्ट्रीम फंक्शन क्या करता है, फाइल को रीड करने के लिए, ऑफ स्ट्रीम फंक्शन क्या काम करता है, फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो पहले फंक्शन लिखना है इफ स्ट्रीम रीड करने के लिए, और इफ स्ट्रीम करके ये ऑब्जेक्ट बनाया है, याद रखना ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बन सकता है, फिर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के ओपन का मेथड यूज़ करेंगे, फिर उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इनपुट फाइल, द सेकंड स्टेटमेंट डिफाइन द फाइल नेम एंड द आर्ग्यूमेंट, मैं इन दिस ओपनिंग द फंक्शन ओपन द कस्टमर फाइल एंड लिंक्स विद द इनपुट फाइल ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या करेगा, पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये वाला, फिर ये ऑब्जेक्ट ये वाला फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेगा तो इसके सारे फंक्शनलिटी इसके अंदर आ जाएगी और ये इसको लिंक करेगा ये ओपन मेथड इस फाइल के साथ, जैसे ही ओपन लिंक करेगा तो ये फाइल खोल के आपको दिखा देगा। इन दिस स्टेटमेंट द ओपन मेंबर फंक्शन ओपन द कस्टमर डॉट टेक्स्ट फाइल, ये ओपन जो है ना ये फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन किसके अंदर आ रहा है, ये इफ स्ट्रीम का फंक्शन है जो कि इस ऑब्जेक्ट के साथ आप एक्सेस करेंगे। A file links to in it with the input file object. After this code execute, you will be able to use the input file object to read data from the customer file. मतलब फिर हम डेटा देख लेंगे इसका। द
द फॉलोइंग कोड शोज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग फाइल ऑफ और फॉर आउटपुट, जैसे कि इसने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑफ स्ट्रीम फंक्शन के लिए। तो ऑफ स्ट्रीम फंक्शन किस काम में आता है, पर पढ़ लेते हैं। इफ स्ट्रीम से हमने क्या करना होता है, इफ स्ट्रीम से फाइल को रीड कर रहे थे, ऑफ स्ट्रीम से फाइल को क्रिएट करेंगे। तो अब फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑफ स्ट्रीम करेंगे। ऑफ स्ट्रीम करके जैसे ही हम ऑफ स्ट्रीम करके एक क्रिएट करेंगे अपना फंक्शन, आउटपुट फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पे फिर इसमें ओपन मेथड यूज़ करेंगे, तो फिर ये क्या करेगा, ये इस फाइल को क्रिएट कर देगा। तो दिस फाइल स्टेटमेंट डिफाइंस एन ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट फाइल। द सेकेंड स्टेटमेंट calls the object open member function passing string employee.txt as an argument. In this statement the open member function create an employee.txt file, और ये एक फाइल को क्रिएट कर देगा। तो पहले वाला जो था वो बनी हुई फाइल को रीड करके दिखा रहा था उसका, और ये क्रिएट कर देगा एंड लिंक विद द आउटपुट फाइल ऑब्जेक्ट। आफ्टर दिस कोड एग्जीक्यूट यू विल बी एबल टू यूज़ द आउटपुट फाइल राइट एंड डेटा। ठीक है, तो आगे कह रहा when you call a soft object method specified will be created. If the specified already exists, it will create erased and new file be same name will be created. मतलब अगर आप इसको दो दफ़ा चलाएंगे, अगर ये फाइल एक दफ़ा बन गई है और उसके अंदर डेटा है तो क्या करेगा, दोबारा जब इस फाइल को चलाएंगे तो उसी को ओवरराइट कर देगा और पिछले डेटा को मिटा देगा। तो ऑफन व्हेन ओपनिंग द फाइल यू विल नीड टू स्पेसिफाई द पाथ, तो आपको पूरा पाथ बताना होगा कि फाइल को कहाँ क्रिएट करना है, कहाँ से रीड करना है। विंडोज सिस्टम फॉलोइंग द सिस्टम स्टेटमेंट, जैसे सी में जाके, सी ड्राइव में जाके, डेटा के फोल्डर में जाके या डायरेक्टरी में जाके invertid.txt फाइल को जाके क्रिएट करना है या ओपन करना है। तो इनपुट फाइल मेथड जो है वो इसको यहाँ से रीड कर लेगा और आउटपुट फाइल मेथड जो है वो उसको यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब ये कह रहा है इन दिस स्टेटमेंट द डायरेक्टरी इज ओपन लिंक्ड एंड विद द ओपन फाइल, नॉट इन द यूज ऑफ टू बैक स्लैशेज इन दिस फाइल्स, टू बैक स्लैशेज आर नीडेड टू रिप्रेजेंट वन बैक स्लैश इन अ स्ट्रिंग लिटल। चलो, इट इज़ पॉसिबल डिफाइन फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डेट ओपन फाइल वन इन वन स्टेटमेंट, हेयर इज एन एग्जाम्पल। इफ स्ट्रीम, इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डायरेक्ट फाइल का नाम लिख दिया, तो ये यहीं से इस फाइल को ओपन करके आपको दिखा देगा, दो लाइन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द स्टेटमेंट डिफाइन इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इनपुट फाइल ओपन कस्टमर डायरेक्टरी, हेयर इज एन एग्जाम्पल। और इस तरह एक ही लाइन के अंदर हम फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, ऑफ स्ट्रीम लिखें, ऑब्जेक्ट बनाएं और फाइल का नाम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, तो इस नाम से वो फाइल को क्रिएट कर देगा। अब जब ओपन करेंगे तो क्लोज़ भी करनी है फाइल को, द अपोजिट ऑफ द ओपनिंग फाइल क्लोज इट, तो इसको उल्टे तरीके से इसको, यानी कि इसके अपोजिट इस फाइल को क्लोज़ करेंगे। ऑल द प्रोग्राम फाइल्स आर ऑटोमेटिकली क्लोज व्हेन द प्रोग्राम शट डाउन, प्रोग्राम को जब शट डाउन करते हैं तो फाइल्स क्लोज हो जाती हैं। इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू राइट स्टेटमेंट डेट क्लोज देम, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि उसको क्लोज भी करें आप खुद से। हेयर आर टू रिस्पॉन्स रीजन टू प्रोग्राम क्लोज द फाइल इज फिनिश यूजिंग देम, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पररी स्टोर्ड फाइल इन फाइल बफर बिफोर इट रिटर्न टू अ फाइल, अ फाइल बफर इज अ स्मॉल होल्डिंग सेक्शन ऑफ मेमोरी, इट बाउंड द डेटा इन फर्स्ट टू रिटर्न व्हेन द बफर इज फिल्ड, ऑल द डेटा स्टोर्ड इन देयर इज रिटर्न टू अ फाइल, दिस टेक्निक इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस, क्लोजिंग द फाइल कॉज एनी अनसेव डेटा, डेटा मे बी स्टिल हेल्ड इन अ बफर बी सेव्ड इन इट्स फाइल, दिस मीन्स डेटा विल बी इन द फाइल, यू नीड टू रीड इट लेटर इन द सेम प्रोग्राम। Some operating system limits the number of files that may be open at a time. When a program closes files that are no longer being used, it will not deplete more than one operating system resources under this. ये दो सेक्शन से क्या फाइल क्लोज करने के लिए ये इसलिए ज़रूरी है, दो रीजन्स ने बताई, इसको समझ लीजिएगा। Calling the function stream objects close members, function close dot file, here is an example. जैसे इन वो जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके आगे डॉट क्लोज लिख देना लास्ट में, चाहे क्रिएट कर रहे हैं चाहे रीड कर रहे हैं, तो इस तरह से वो फाइल का जो लिंक है तो वो क्लोज हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के साथ। राइटिंग डेटा टू फाइल, अब राइटिंग डेटा फाइल में क्या करना है, यू ऑलरेडी नो द यूज़ द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स, तो ऑपरेटर लेस देन, तो इसमें आप इसको यही वाला यूज़ करेंगे जो कि हमारा इंसर्शन में विद द सी आउट ऑब्जेक्ट टू राइट अ डेटा टू स्ट्रीम, तो इसको कैसे डेटा को राइट करेंगे, तो आप पहले आउटपुट ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, लेस देन लगाएंगे, फिर जो भी डेटा उसके अंदर राइट करना है वो लिख देंगे, तो उसके अंदर डेटा राइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट राइट डेटा स्क्रीन, इट कैन आल्सो बी राइट ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स टू राइट डेटा फाइल, अज्यूम ऑटो राइट आउटपुट फाइल इज एन ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, आप सोचें कि ये ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का है, यानी कि ये फाइल क्रिएट करेगा और लेस देन लगा के जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस फाइल के अंदर सेव कर देगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेमोंस्ट्रेशन यूजिंग द ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर आपने यूज़ करना है टू राइट द स्ट्रिंग लिटरल्स टू अ फाइल्स, द स्टेटमेंट राइट द लिटरल आई लव यू प्रोग्रामिंग
टू फाइल्स एसोसिएट द आउटपुट फाइल, फिर वो ये ऑब्जेक्ट लेके इसको राइट कर देगा, ये सारा डेटा जो फाइल हमने क्रिएट की हुई ऊपर। एज यू की स्टेटमेंट लुक लाइक द सी आउट एक्सपेक्ट द स्ट्रीम हेयर इज इन अ स्टेटमेंट राइट बोथ एज स्ट्रिंग कंटेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो इसके अंदर ये वेरिएबल के अंदर भी जो डेटा है वो भी स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे थे आउटपुट फाइल डबल कोट में प्राइस लिखा, फिर ये प्राइस लिख दिया। अब ये जो प्राइस